न्यूजीलैंड के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद बाबर ने बदल डाली पाकिस्तान की आधी प्लेइंग 11। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की खतरनाक प्लेइंग 11 का हुआ ऐलान। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले के लिए कैसी है पाकिस्तान की प्लेइंग 11, साथ ही कप्तान बाबर आजम ने किए हैं प्लेइंग 11 में कौन कौन से बड़े बदलाव, जानेंगे आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले, अगर आप भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम इस ट्रायंगुलर सीरीज को जीते, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान की टीम फिलहाल न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज में भाग ले रही है। इस ट्रायंगुलर सीरीज में पाकिस्तान की टीम ने कुल अपने 3 मुकाबले खेल लिए हैं। अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश की टीम को 21 रनों से मात दी, जबकि दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया था। हालांकि अपने तीसरे ही मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को न्यूजीलैंड के हाथों 9 विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मुकाबला गुरुवार 13 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए कप्तान बाबर आजम ने अपने प्लेइंग 11 में भी कुछ बड़े बदलाव किए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ इफ्तिकार अहमद की जगह हमें मोहम्मद हैरिस प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। मोहम्मद हैरिस को बांग्लादेश के खिलाफ प्लेइंग 11 में मौका मिलने वाला है। बात करेगा दूसरे बड़े बदलाव की, तो मोहम्मद वसीम की जगह हरीश राउफ को अब बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को हार कर भुगतना पड़ा है। बात करें तीसरे बड़े बदलाव की, तो शहनवाज हानि की जगह हमें मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले के लिए कैसी होगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पारी का आगाज करेंगे, जबकि इनके अलावा प्लेइंग 11 में स्थान मशहूर मोहम्मद हैरिस, हैदर अली, आसिफ अली, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, हैरिस राउफ, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन। तो दोस्तों, ये है वो खिलाड़ी जो हमें बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।